हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है डाइज, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। डाइज क्या होती है, सो मैं उसको बता रही हूँ। तो डाइज को हम सिंथेटिक डाइज भी बोल सकते हैं। अ डाई मे बी डिफाइन एज नेचुरल और सिंथेटिक कलर, या तो नेचुरल कलर भी उसको बोल सकते हैं और सिंथेटिक कलर भी बोल सकते हैं। नेचुरल या सिंथेटिक कलर सबस्टेंस विच वेन अप्लाइड टू द फाइबर इम्पार्ट अ परमानेंट कलर एंड द कलर इज नॉट रिमूव बाई अ वाश विथ वाटर सॉप एंड एक्सपोजर टू लाइट। ऑल कलर्ड सबस्टेंस आर नॉट नेसेसरी डाइज। कह रहे हैं कि जितने भी कलर है वो जरूरी नहीं कि है कि डाइज ही हो, हर कलर डाइज ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल में दिया है, पिक्रिक एसिड इज येलो इन कलर बट डज नॉट फिक्स टू क्लॉथ, लेदर, पेपर, हेयर एंड प्लास्टिक मटेरियल। ये इन सब पे फिक्स्ड नहीं होता, तो ये इसका कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक है। मैं इसमें ओनली फॉर नोट्स हैं और मैं इसको डिस्क्राइब नहीं की हूँ। अगले वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब करके एक एक करके मैं इसको बताऊंगी। पहले आप इस नोट्स को देख लीजिए। जैसे यहाँ हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, डाइज की क्लासिफिकेशन की। तो डाइज की क्लासिफिकेशन दो टाइप से होती है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्लासिफिकेशन होता है और इसके मेथड ऑफ अप्लीकेशन पे भी क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे किसका क्लासिफिकेशन होता है, तो कह रहा है इन दिस क्लासिफिकेशन डाइज आर arranged according to the structure to which the dyes of the functional group पे इसको हम क्लासीफाई करेंगे। टू विच मतलब फंक्शनल ग्रुप, कहने का मतलब ये है कि किस डाइज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप का हुआ तो एक ग्रुप में आएगा, और सेकेंड फंक्शनल ग्रुप का है तो दूसरे ग्रुप में आएगा। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप वाइज भी हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि टू विच द डाइज ऑन देयर कलर दे वी हैव वेरियस क्लासेज ऑफ डाइज सच एज मेरे पास कौन कौन सा डाइज हुआ, पेजाइन डाइज हुआ, नाइट्रोनाइट्रस डाइज हुआ, एजो डाइज हुआ, नाइट्रोफिनाइल मेथेन डाइज हुआ, थाइलिन डाइज हुआ मेरे पास, एंथ्राक्यूनिन डाइज हुआ, इंडिगो डाइज हुआ। ये सब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे क्लासिफाइड है, ये ओनली फॉर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे है। अब मेरा सेकेंड बात हुआ बेस्ड ऑन बल्कि मेथड ऑफ अप्लीकेशन पे, तो मेथड ऑफ अप्लीकेशन पे फर्स्ट जो डाइज है हमारा वो डायरेक्ट डाइज है। फर्स्ट डाइज मेरा डायरेक्ट डाइज है, उसके बाद वेट डाइज आता है, वैसे करके बहुत सारे डाइज इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ अप्लीकेशन पे। तो ये हमारा डायरेक्ट डाइज है जिसको हमने बताया है। दिस डाइज कैन बी अप्लाइड टू फाइबर डायरेक्टली बाई डायरेक्ट इमर्शन इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। हम यहाँ किसकी बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन। और डायरेक्ट डाइज कंटेन एसिडिक या बेसिक ऑक्सोक्रोम ऊल एंड सिल्क विथ प्रोटेनिक स्ट्रक्चर पासेज फ्री NH2 एंड COOH ग्रुप। मीन्स कहने का मतलब ये कि बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप, दोनों ग्रुप जिसमें प्रेजेंट इन द डाइज अप्लाइड, जिसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिडिक और बेसिक। जैसे NH2 जो हुआ, NH पे मेरा लोन पेयर, यहाँ N पे मेरा लोन पेयर होता है, तो ये बेसिक नेचर हुआ। यहाँ से